क्या वाकई ज़ारा शेख इस कदर तंग करती थी? नताशा अली ने माजी के एक वाक्य को बयान करके दिलचस्प सूरत हाल से खुद को दो चार कर दिया है। नताशा अली जो ड्रामों में एक्टिंग के साथ साथ कुछ वक्तों के लिए होस्टिंग भी करती रही हैं। इंटरव्यू में माजी का एक ऐसा राज खोल दिया जिसके बाद वो फिर से खबरों में आ चुकी हैं। नताशा अली से पूछा गया कि कोई ऐसा मेहमान जिसने नाकों चने चबवा दिए हों। नताशा अली ने जहन पर जोर दिया और फिर फर फर बोलना शुरू कर दिया। कहने लगी कि कई शो की होस्टिंग करते हुए इन्हें तल्ख तजुर्बात से दो चार होना पड़ा। कई ऐसे मेहमान आए जिनका इंटरव्यू करना जिंदगी का मुश्किल और दुश्वार काम बन गया। कहती हैं कि एक शो में एक टॉप क्लास मॉडल और एक्ट्रेस को बुलाया गया। अब वो मैडम बड़ी शानो शौकत के साथ आईं। स्टूडियो पहुंचकर 3 घंटे तक मेकअप रूम में सिर्फ बनाओ सिंगार में गुजारे। इधर नताशा अली स्टूडियो में बेचैनी के साथ पहलू बदल बदल कर इनका इंतजार कर रही थी। बन ठन कर जब वो मॉडल और एक्ट्रेस आई तो एक नई कयामत से दो चार होना पड़ा। नताशा अली सवाल दरियाफ्त करती तो मेहमान अदाकारा सिर्फ हूँ हाँ से ही काम चलाती। इस कदर कम गो के नताशा अली के सब्र का पैमाना लबरेज होने लगता। मुसलसल लंबे लंबे सवाल करना पड़े और वो सिर्फ एक लफ्ज में जवाब देकर खामोश हो जाती। देखा जाए तो इस शो में नताशा अली ने मेहमान के बरक्स खुद ज्यादा गुफ्तगू की और जब प्रोड्यूसर ने बताया कि वक्त खत्म हो रहा है तो नताशा अली को इस रूखे फीके अंदाज पर मॉडल पर बहुत गुस्सा आया। अब नताशा अली से इसरार किया गया कि कुछ ना करें, बस नाम ही बता दें कि वो कौन सी अदाकारा और मॉडल थी। तो नताशा अली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है नाम लेने में, ज़ारा शेख इनकी अब भी बहुत अच्छी दोस्त हैं। अब देखना ये है कि नताशा अली के इस इनकशाफ के बाद ज़ारा शेख क्या रिप्लाई करती हैं, क्योंकि हंसते खेलते नताशा अली ने ज़ारा शेख की क्लास भी तो ले ली है।